Welcome back Arati Educational Academy YouTube channel. In this video, I will share how to fill application form for scholarship for the students of minority communities that was announced by Directorate of Minorities Affairs Sindh through STS, SIBA Testing Service. Number one में आपने नाम लिखना है अपना block letters में, यानी कि capital letters में. उसके बाद number two में CNSE number और नाजरा बेफाम number student का जो है वो लगाना है. नंबर थ्री में जेंडर, मेल और फीमेल. नंबर फोर, कम्युनिटी आपकी कौन सी है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, जो भी है आपने लिखनी है. उसके बाद नंबर पाँच में क्लास एंड कोर्स इन विच स्टडीइंग, क्लास कौन सी है और आपकी फील्ड कौन सी है, किस डिपार्टमेंट में है. नंबर सिक्स, रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, रेजिडेंशियल एड्रेस आपने वो देनी है जहाँ आप रह रहे हैं. अगर आपका हॉस्टल है तो हॉस्टल की दें, घर की एड्रेस नहीं देनी. कॉन्टेक्ट नंबर, ई मेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर आपने लाजमन देना है, ईमेल एड्रेस भी दें. उसके बाद नंबर सात, फादर्स या गार्डियंस नेम, फादर्स गार्डियंस प्रोफेशन. उसके बाद नंबर नाइन्थ, क्लास एंड कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच स्कॉलरशिप इज़ बीइंग क्लेम्ड, किस क्लास के बेसिस पे आप ये स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं. नंबर टेन, नेम एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर यू आर स्टडिंग. नंबर 11, डिटेल्स ऑफ लास्ट एनुअल और टू लास्ट सेमेस्टर और टर्म एग्जामिनेशन पास्ट. अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो लास्ट एनुअल एग्जामिनेशन के जो रिज़ल्ट है वो आप लिखें, और अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो लास्ट टू सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो आप लिखें. टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेंड और परसेंटेज निकाल कर वो लिखें यहाँ पर. नंबर 12, डिटेल ऑफ स्कॉलरशिप रिसीव्ड फ्राम एनी सोर्स ड्यूरिंग लास्ट ईयर. अगर लास्ट ईयर में कोई स्कॉलरशिप हासिल की है वो लिखें यहाँ पर. और अगर अभी 13 नंबर में लिखें कि अभी अगर आप कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं या स्टाइपेंड ले रहे हैं वो लिखें. फिर आपने सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, जो स्टूडेंट है उसने सिग्नेचर करनी है. सर्टिफिकेट ऑफ हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन, ये आपने हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन से स्टाम्प लगवाना है यहाँ पर, और सिग्नेचर भी लगानी है. अपना नाम होगा, आपके फादर का नाम होगा, और जो क्लास होगी आपकी वो लिखेंगे यहाँ पर. एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशन. उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द टीचर और गार्डियन ऑफ द स्टूडेंट, ये भी आपने स्कूल का, जो कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का हेड है वही आपको साइन करके देगा और अपना स्टाम्प भी लगाएगा. चेकलिस्ट नंबर वन, अटेस्टेड कापीज ऑफ डोमिसाइल एंड पीआरसी ऑफ सिंध प्रोविंस, सीएनएससी और नाजरा बेफाम. आपने ये तीनों चीज़ें लगानी है, डोमिसाइल, पीआरसी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन इंस्टीट्यूशंस, एंड थर्ड सीएनएससी या नाजरा बेफाम. नोट, नो नीड टू अटैच द कापीज ऑफ पेरेंट्स, गार्डियन, सीएनएससी एंड डोमिसाइल. अपने फादर या गार्डियन का कुछ भी नहीं लगाएं, सीएनएससी भी नहीं, ना ही डोमिसाइल. नंबर टू, अटेस्टेड कापीज ऑफ मार्कशीट्स, डीएमसी, प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ लास्ट एनुअल एग्जाम्स. इन केस ऑफ सेमेस्टर सिस्टम, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटैच मार्कशीट ऑफ लास्ट टू सेमेस्टर्स. नंबर थ्री, ओरिजिनल कापी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट गार्डियन फॉर द करंट ईयर फ्रॉम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. नंबर फोर, इंस्टीट्यूशन मस्ट बी एफिलिएटेड विद HEC गवर्नमेंट अथॉरिटी. नंबर फाइव, कंप्लीट फॉर्म इन ऑल रेस्पेक्ट्स अलॉन्ग विद रिक्योर डॉक्यूमेंट्स एंड टू रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स टू बी सबमिटेड टू ऑफिस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर सीबा टेस्टिंग सर्विस सखर यूनिवर्सिटी निसार अहमद सिद्दीकी रोड सखर विद इन ड्यू डेट. ड्यू डेट इसकी 30 अप्रैल है, तो 30 अप्रैल से पहले आपने ये फॉर्म फिल करके इस एड्रेस पे भेजना है इन डॉक्यूमेंट्स और फोटोज़ के साथ. सब्सक्राइब रहती एजुकेशन अकेडमी फॉर मोर वीडियोज एंड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़.